दिल्ली में एक बात तय है कि बीजेपी दोबारा नहीं आती। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। इससे ठीक पहले तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि बचपन से वो देखते आ रहे हैं कि जब भी चुनाव का दिन होता है, जब वोटिंग चलती है, तो वैलेट के ज़माने से ईवीएम तक में हर घंटे अपडेट आता है कि आखिर कितने परसेंट लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है। इस बार ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने हालांकि ये भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली में कहीं से भी बीजेपी की वापसी नहीं हो रही है। बावजूद उसके तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर गंदी सियासत करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में एक बात तय है कि बीजेपी दोबारा नहीं आती, पूरे ढंग से नहीं आती। और ज़्यादा कुछ तो हमको नहीं कहना था, लेकिन हम लोग कोई भी चुनाव अगर हम लोगों ने देखा है तो पल पल का जो है वोटिंग परसेंटेज, कितना वोट पड़ा बैलेट के ज़माने से, या तो ईवीएम का ज़माना है, बैलेट के ज़माने से आपको जानकारी मिलती थी कितने घंटे में इतने परसेंट वोटिंग होगी। लेकिन आश्चर्य लगता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ इलेक्शन कमीशन है, वहाँ एक दो दिन तक खबर ही नहीं थी भैया कितने वोट पड़े। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह डालता है। बात है कि पकड़े गए, लेकिन ये जो ट्रक पकड़ा आता है, ट्रक का मालिक कौन है? ये जहाँ से शराब बनती है, जहाँ से उठती है शराब, ये कौन सी जगह है? आज तक इस पर क्यों नहीं प्रयास किया गया कि वैसे प्लांटों पर जहाँ शराब बन रही है, जहाँ से शराब लोड किया जा रहा है, उन पे छापे पड़े? कि अगर बिहार से बाहर से आ रही है तो क्या राज्य सरकार दूसरे राज्यों में जाकर के कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? ये देखने वाली बात है। अगर नहीं तो ये सुनियोजित ढंग से ये